दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बुजुर्गों के लिए ये खबर बहुत ही खुशखबरी है। आपको बता दिया जाए कि बुजुर्गों की किस्मत चमक चुकी है। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में पहले दिन ही नायब सिंह सैनी ने कार्यकाल को संभालते हुए बुढ़ापा पेंशन में 250 की बढ़ोतरी की थी। हाल ही में आपको बता दिया जाए कि समाज कल्याण विभाग से लेटर जारी करवाते हुए नायब सिंह सैनी ने आदेश दिया है कि बुजुर्गों के खाते में सीधा 5100 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी बुढ़ापा पेंशन। ये उनका अधिकार है और ये उनको मिलना चाहिए, उनका हक भी है। आपको बता दिया जाए, हरियाणा में कई बुजुर्गों ने समाज कल्याण विभाग में चक्कर लगाते हुए कहा और नायब सिंह सैनी से अपेक्षा की कि आप हमारी बुढ़ापा पेंशन को भारी बढ़ोतरी दीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में सच मानिए तो जितना सारा लाठी का होता है उससे कई गुना ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन का, क्योंकि घर चलाने के लिए सिर्फ एक पेंशन का ही सहारा है। क्योंकि बुढ़ापे में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कमाने के लिए कोई स्रोत नहीं है और ना ही उनके पास बच्चे हैं कि नहीं वो कमा के उनको कुछ पैसे दे सकते हैं। उनको मात्र सारा बुढ़ापा पेंशन का ही है और कई बुजुर्गों की ये भी अपेक्षा है कि उनके खाते में समय समय पर बुढ़ापा पेंशन नहीं पहुंचती है। तो उनसे अनुरोध किया नायब सिंह सैनी से, कहा कि हर हालत में 15 से 25 तारीख तक हमारे खाते में बुढ़ापा पेंशन पहुँच जानी चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहे AD News को, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।